रांची की बेबी कुमारी ने करीब 5 साल पहले अपने घर पर ही छोटे स्तर पर लाह की चूड़ियां बनाने का काम शुरू किया था। इनकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे इन्होंने अपने जैसी दूसरी महिलाओं को इसमें जोड़ना शुरू किया। आज इस काम से जुड़कर करीब सैकड़ों महिलाएं रोजगार पा रही हैं। झारखंड में हम लोग को लाह का खेती हो रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि लाह का बहुत तरह तरह का हर एक चीज में उसको यूज करें। छोटा छोटा सा किया हो गया, शीशा हो गया, मिरर हो गया। बेबी बताती हैं कि झारखंडी लाह पर जब उनकी मेहनत निखर कर बाहर आती है तो देखने वालों की नज़र उस पर ठहर जाती है और उनका सामान हाथों हाथ बिक जाता है। वे कहती हैं कि सरकार ने भी उनके उत्पादों की बिक्री के लिए कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं, जिससे इस बाजार की समस्या नहीं होती। बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं, हम लोग जहाँ जाते हैं मेला तो अपना भट्टी लेके जाते हैं, हर जगह अपना डेमो अपना कलाकार को हर जगह दिखाते हैं, बना के तो बना के दिखाते रहते हैं। उसके बावजूद में 3-3 घंटा तक लाइन लगे रहते हैं, गरम गरम चूड़ी बना के देते हैं हम लोग। शादी ब्याह के खास मौके पर लोग अपनी पसंद के अनुसार चीजें इनसे तैयार करवाते हैं। यहाँ काम करने वाली महिलाएं कहती हैं कि ये ऐसा काम है जिसमें उनका मन भी लगा रहता है और बैठे बिठाए अच्छी आमदनी हो जाती है। 100 के लगभग लेडीज हैं और सब हम लोग मिलके एक जगह काम करते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से कम लेडीज आ रही हैं। कुछ घर पे ही काम करती हैं और कुछ 2 या 3 शिफ्ट में करके करती हैं, आती हैं। मार्केट में बहुत सारा डिज़ाइन नहीं मिल पाता है, बहुत सारा साइज नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए वो हमें ऑर्डर देती है और हम वो बनाते हैं। और इससे हम लोग रोजगार में भी मदद मिलती है और हम लोग आत्मनिर्भर भी हम लोग रहते हैं, स्वलंबर भी हम लोग हैं इससे, और हुनर का एक तरीका भी हम लोग को मिल जाता है यहाँ से करने से। झारखंड अकूत खनिज संपदा के साथ साथ लाह की खेती के लिए भी जाना जाता है। सिमडेगा और खूंटी जैसे जिलों में बहुतायत से लाह की खेती होती है। यहाँ उपजने वाला लाह पहले जयपुर जैसे बड़े शहरों और विदेशों में निर्यात कर दिए जाते थे, लेकिन अब इन महिला समूहों द्वारा लाह से जुड़े कारोबार शुरू किए जाने से अधिकांश लाह यहीं खप जाता है, जिसे ये रोजगार देने वाला बड़ा क्षेत्र बनकर भी उभरा है।